20% दे दो, 80% की लोन सुविधा कर देंगे। 20% को मेरे किसान भाई को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 80% जो है वो लोन हो जाएगा। हाँ जी, 50% की सब्सिडी है जी। 50% जो है मेरे किसान भाई को सब्सिडी मिल हाँ जाएगी। जी, हाँ जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं साई ग्रुप के अंदर और यहां पर यह मशीन देख सकते हैं, काफ़ी शानदार मशीन होने वाली है। भाई जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी इस मशीन के बारे में जानकारी है वो हम इनसे लेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। तो भाई, मैं सबसे पहले चाहूँगा आप मेरे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय करा दें। यह हमारी कंपनी है संजीव जांगड़ा इंजीनियरिंग वर्कशॉप जी, जो इसार चंडीगढ़ रोड पे बैबलपुर गांव में कंपनी है अपनी। जी। तो जैसे कि मैंने अपने किसान भाइयों को इस मशीन के बारे में बताया कि काफ़ी शानदार जो है यह मशीन होने वाली है, तो क्या काम करेगी ये बताइए। ये अपनी मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर मशीन है, जो बेड बना के बेड के ऊपर फसल बोती है। जी इसमें फसल आती है गाजर, मूली, पालक, धनिया, सरसों, भिंडी, मटर, चना, जी। मक्का। तो लगभग जितने फसलों के आपने नाम बताए उन्हीं सबों को मेरा हाँ जी, किसान भाई इसमें इससे आसानी से बो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है जी, अपनी बेड बना के बेड के ऊपर फसल बोएगी जी। जी, बीज वाली फसल होनी चाहिए और सभी प्रकार की फसल बो देती है ये। सभी प्रकार हाँ, की इसमें फसल बो पैंतीस देती है। प्रकार की सब्जी आती है। जी। हाँ जी, और जैसे अब बीज गिरता है इसमें, वो बीज कहाँ से गिरता है और उसकी मात्रा को मेरा किसान भाई कैसे एडजस्ट कर सकता है उसके बारे में बताइए। बीज ये हमारी टंकी है, जो बीज डालने के वाली टंकी है, जो इसके अंदर बीज डाल दो, जी। यहाँ बीज डाल दो। जिस हिसाब से अलग अलग फसल का बीज अलग अलग मात्रा में पड़ता है, तो क्या करना है, ये गेयर बॉक्स लगा रखे हमने। जी इसके पहले इसमें चार गेयर होती है, गेयर के हिसाब से अपना बीज सेट कर लो। जी मतलब इस गियर के हिसाब से मेरा किसान भाई जो है बीज को सेट कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। जी। और मेरा किसान भाई, ये जो दिया आपने ये किस लिए दिए यहाँ पर? ये क्या है, यहाँ से बीज उठा के नालियों के थ्रू बीज जमीन में जाएगा, जी तो बीज के ऊपर मिट्टी डालने का काम करेगा ये, सुहागा बोलते हैं हम इसको। जी। हाँ जी, तो ये जो है बीज के ऊपर मिट्टी डालने का काम करेगा। हाँ जी, जी। और बेड जो बनेगी, इससे बेड कितने इंच की बनेगी? बेड जी इसकी है 10-9 इंच से लेके और 20 इंच लग का, कितना भी बेड बनवा लो। 9 इंच से लेके 20 इंच तक, किसान की डिमांड के अनुसार होता है, जिस टाइम ऑर्डर देता है उस टाइम ऑर्डर के अंदर लिखवाना होता है, भाई इतना इंची बेड चाहिए, उतना ही मिलेगा। जी, आप उसी हिसाब से बना कर दे देंगे। हाँ जी, जी। और जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ, तो ये किस काम आता है इधर जो दिया है? बीज की गहराई को सेट करने के लिए हमने ये जैक सिस्टम लगा रखा है। उसको फूल को इस तरफ घुमाओगे तो बीज की गहराई कम, और उस तरफ घुमाओगे तो बीज की गहराई कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब मेरा किसान भाई इससे जो है बीज की गहराई को भी एडजस्ट कर सकता है। हाँ जी। और अब मैं बात करता हूँ क्वालिटी कैसे दी है आपने इसमें? क्वालिटी बढ़िया है जी, आप देख भी सकते हो वीडियो में, क्वालिटी का पता ही लग जाता है भाई, कितनी बढ़िया क्वालिटी दे रखी है। टेपरिंग वाली पाइप देते हैं हम जी। जो पहले और क्या करते हैं वो दे देते हैं, जो गार्डन पाइप होती है वो पाइप दे देते हैं जी। और करती है प्लास्टिक वाली पाइप है, इसमें सेपरिंग लगा हुआ है पाइप में, ये मुसने का खराब होने का कोई दिक्कत नहीं है इन पाइपों में। जी। और अब मैं बात करता हूँ इसे कम से कम कितने HP का ट्रैक्टर चला सकता है? इस मशीन को जो आप देख रहे हो ये 3 बेड की मशीन है जी। मशीन को 50 से 60 HP का ट्रैक्टर आराम से चला देता है। 50 से 60 HP का ट्रैक्टर आसानी से चला देगा। हाँ जी, जी। और अब मैं बात करता हूँ, कुछ मेरे किसान भाई होंगे कि जिनके पास 50-60 HP का ट्रैक्टर नहीं होगा, तो उनके लिए क्या समाधान है? उनके लिए भी समाधान है, ये 3 बेड की मशीन है, उन भाइयों के लिए 2 बेड की मशीन भी है हमारे पास जी। जो 35 से 50 HP के ट्रैक्टर भी चलेगी, उससे भी छोटा ट्रैक्टर है तो हमारे पास सिंगल बेड की मशीन भी है। और अब मैं बात करता हूँ जैसे कि कुछ इस पर मेरे किसान भाई को सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, इसमें 50% की सब्सिडी है जी। 50% जो है मेरे किसान भाई को सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ जी, तो मेरे किसान भाई को लगभग नई मशीन जो है वो आधे दाम में पड़ने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, आधे दाम में जी। और जैसे ऐसा होता है कि मेरे किसान भाई का इतना बजट नहीं हो पाता कि वह सारे पैसे एक साथ दे दे, तो क्या मेरे किसान भाई को लोन सुविधा भी हो जाएगी इन पर? नहीं होगी? हाँ जी, हो जाएगी लोन सुविधा, हो जाएगी बिल्कुल। लोन सुविधा कितने परसेंट हो जाएगी? ये हो जाती है 30%, 20% दे दो, 80% की लोन सुविधा कर देंगे। 20% को मेरे किसान भाई को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 80% जो है वो लोन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप, जैसे कि आपका बजट नहीं हो पाता एक साथ में सारे पैसे देने का, तो आपको जो है लोन की सुविधा भी जो है इस मशीन पर मिलने वाली है। और जैसे कि मैं यहाँ पर आगे देख पा रहा हूँ, तो इनकी क्या क्वालिटी दी है आपने यहाँ पे? ये ब्लेड जो लगाया आपने नीचे, ये हमने बढ़िया ब्लेड लगा रखे है, हमने ये ओरिजिनल सटार कंपनी की ब्लेड लगा रखी है जी। जी, हाँ जी। और यहाँ से जैसे ऐसा है क्या, जैसे मेरा किसान भाई से एडजस्ट करना चाहता है, इधर उधर करना चाहता है, तो इधर उधर कर सकता है इसे? हाँ जी, हाँ जी, हमारी मशीन में
पूरी एडजस्टेबल मशीन है, बीज से बीज की दूरी एडजस्ट करना हो तो पीछे एडजस्टेबल दे रखी है, जी सारा सिस्टम पूरा, पूरी मशीन नट बोल्टों में है जी, एडजस्टेबल है पूरी मशीन जी। तो पूरी मशीन जो है वो एडजस्टेबल है। हाँ जी जी और जैसे मैं यहाँ पर ये एक बॉक्स देख पा रहा हूँ, तो सर ये किस लिए दे दिया है? ये किसान भाइयों के लिए टूल डालने के लिए है, जी और जो और फसल की जो अलग अलग डिक्स होती है, डिक्स डालने के लिए है। जी देख सकते हैं किसान भाइयों आप इसे यहाँ पर। और अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा कोई किसान भाई इस मशीन को लेना चाहता है तो वह कैसे ले सकता है? ये पहले तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है इन पे संपर्क करें, जी या फिर हमारी जो फैक्ट्री है हरियाणा में स्थित है अपने हिसार जिले में, जी वहाँ के अपनी फैक्ट्री में विजिट करें, मशीन को देखें, फिर मशीन को ले, जी या फिर घर बैठे ऑनलाइन आप बुक कर ले मशीन को, और हम पहुँचा देंगे घर पे, पहुँचाने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। जी ऑल इंडिया में कहीं भी भिजवा दोगे? हाँ जी, ऑल इंडिया नहीं, ऑल कंट्री, और किसी भी कंट्री में हो वहाँ भी कहीं पहुँचा भी? देंगे। हाँ जी, कहीं भी हो। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने आपको गाजर, मूली, धनिया, पालक, सरसों, ग्वार, भिंडी, चना, मक्का बिजाई मशीन दिखाई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।